नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी आई है और इस त्रासदी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। साथियों, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और जो ट्रेंड पर्सन हैं वो वहां जा कर के मदद करें। जिला प्रशासन के साथ में और पुलिस प्रशासन के बनाए हुए नियमों को ना तोड़ें। जो पानी वहां से बह रहा है उस पानी को देखने के लिए बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें। जो बैरिकेड लगे हुए हैं उन बैरिकेड को तोड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हैं उनका पूरा पूरा मन से पालना करें। NDRF के जवान जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके काम में बिल्कुल भी बाधा ना डालें। साथियों, वहां पर जो लोग पीड़ित हैं और पुलिस प्रशासन उनको वहां से उठा करके ऐसे स्थान पर ले करके जा रही है जहां पर कि उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए उस समय पर उनके खाने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था, उनकी दवाई गोली की व्यवस्था, उनको मोटिवेशनल लेक्चर की व्यवस्था, क्योंकि ऐसे समय पर आदमी टूट जाता है। जिस परिवार में से जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसकी पत्नी, जिसके बच्चे यदि उस पानी में बह जाते हैं या उस पहाड़ के नीचे दब जाते हैं, ऐसी स्थिति पर उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय पर कभी भी र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। जो हमें ऑथेंटिक समाचार नहीं मिलते हैं, इतने मर गए, इतने बच गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, ऐसा फैला करके लोगों में खौफ पैदा ना करें। गलत भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे समय पर दूर संचार व्यवस्था खत्म हो जाती है। उस व्यवस्था को करने के लिए सरकार के पास में अपना साधन होता है। सरकार को काम करने दें, सरकार की मदद करें। और ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि ये आपदाएं जो आती हैं किसी न किसी वजह से आती हैं, किसी न किसी कारण से आती हैं। ये प्राकृतिक आपदा हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं का कभी भी हमें कुछ पता नहीं होता है कब आएगी। मैन मेड जो आपदा होती हैं उनका फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं, इनका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर जो रहने वाले लोग हैं वो पहले से तैयार रहें कि यहाँ पर किसी प्रकार के बादल फट सकते हैं, कभी भी ग्लेशियर आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी पहाड़ टूट सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने मकान बनाते समय उन मानकों को पूरा करें जो आपदा प्रबंधन के द्वारा तैयार किए गए हैं, और ऐसी जगह पर ना रहें जैसे गंगा जी का तट है या जहां पर इस प्रकार की बात है। जो सरकार की तरफ से नियम बनाए जाते हैं कि 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर ही हमें अपनी दुकान मकान बनाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी का फुला उफान आए जैसे सुनामी आई थी और वो सबको लेकर के बह जाए, या जैसे श्रीनगर की घटना थी, केदारनाथ की घटना थी 2013 में जो हुआ था, या केरल और बिहार के अंदर जो बाढ़ आई थी। उन सबसे हमें सबक लेना चाहिए और हमें मानवता का परिचय देना चाहिए, इंसानियत के गुणों को अपनाना चाहिए, मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। जो लोग जैसे भी समृद्धशाली हैं उनको भी इसमें अपनी पूर्ण तन मन धन से समर्पण के साथ में मदद करनी चाहिए। इन सब बातों के साथ में मैं आप सबसे अपील करता हूं और प्रभु परमात्मा से दुआ करता हूं कि हे प्रभु परमात्मा, इस प्रकार की आपदाएँ इस जो आ रही हैं ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हो रहा है, लगता है कि समय भी परिवर्तन हो गया है, बहुत जो भौगोलिक ज्योग्राफी है वो भी परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि ग्लेशियर जो पिघला करते थे वो गर्मियों में पिघला करते थे, अब सर्दियों का समय चल रहा है, और सर्दियों में फटने का मतलब है कि परमात्मा की कुदृष्टि हो गई है। परमात्मा का कहीं ना कहीं पर हमें ठीक करने का इरादा है कि हम ठीक हो जाएं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, पहाड़ों को ना तोड़ें, पेड़ पौधों को ना काटें, और जो हमारा पॉल्यूशन है उसको ना फैलाएं, और जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उसका हम सही प्रबंधन करें। यदि हम सब ऐसा करेंगे, मानवीय गुणों को अपनाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत असमें से नहीं खेलेंगे, और जो जीव जंतु पहाड़ों में रहते हैं उनके आचरणों को नहीं छीनेंगे, तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि परमात्मा की ऐसी कुदृष्टि नहीं होगी और इस प्रकार की आपदाएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इन सब के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।